दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सावन का पावन महीना आरंभ हो चुका है। इस पूरे महीने में शिव पूजा का विशेष दौर चलेगा। इसी के साथ ही इस महीने में शिव पूजा करने से मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि यह महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। ऐसे में दोस्तों, कई बार अनेक महिलाएं सोमवार का व्रत करने की सोचती हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने की सोचती हैं, परंतु कभी कभी औरतों की परेशानियां, जैसे वे रजस्वला हो जाती हैं, तब ऐसे में वे ये सोचती हैं कि अब क्या किया जाए, क्या भगवान शिव की पूजा करनी सही रहेगी और इस अवस्था में वे कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महिलाएं महावारी, यानी कि जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, इस अवस्था में पूजा पाठ कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि आखिर महावारी में पूजा क्यों नहीं करी जाती, इसके लिए महिलाओं को इतना ज़्यादा रोक टोक करा क्यों जाता है। रजस्वला या कहीं महावारी हर एक स्त्री की एक प्राकृतिक अवस्था है। यह एक नेचुरल सी प्रक्रिया है जिसे आना ही आना है। इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो यह एक अलग बात हो जाती है, परंतु ऐसे में हमें पूजा करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे घरों में पापड़, बड़ी या फिर अचार भी छूने की इजाज़त नहीं होती है। दोस्तों, ऐसे समय में स्त्रियों के शरीर से एक बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती रहती हैं। वैसे अगर हम वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो यह हार्मोनल चेंज के कारण स्त्रियों में होता है, परंतु इसके कारण स्त्रियों का मन एकाग्र नहीं रहता है, विचलित रहता है, और इससे स्त्रियों के शरीर में बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं भी होती हैं जिससे स्त्रियों का मन एकाग्र नहीं हो पाता पूजा के लिए। कहीं पर भी मन स्थिर नहीं रहता है और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों, यही रीजन हो गया कि अगर आपका मन नहीं लगेगा तो आप भक्ति करेंगे कैसे, पूजा करेंगे कैसे। दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि बगैर मन से यदि आप पूजा करेंगे तो आपकी पूजा स्वीकार ही नहीं होगी। परंतु जो मेन चीज़ होती है दोस्तों, इस अवस्था में जो आपका ऑरा होता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह उस समय नकारात्मक स्थिति में होता है, यानी नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा हुआ होता है। इस अवस्था में आपके अंदर एक निगेटिविटी होती है। यही कारण होता है कि इस अवस्था में आप भगवान जी के किसी भी पूजा पाठ या कर्म कांड इत्यादि में आप सहभागी नहीं हो सकते, यानी सम्मिलित नहीं हो सकते। परंतु इस अवस्था में आप अपने घर के किसी अन्य फैमिली मेंबर से, यहाँ तक कि आप अपने कोई छोटा बच्चा है आपका, तो उससे प्रतिदिन की पूजा या फिर जो विशेष पूजा हो वह आप उससे करा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि इस अवस्था में हम व्रत उपवास कर सकते हैं या फिर नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, यह तो नेचुरल क्रिया है, आप व्रत कर सकते हैं या फिर पूजा कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा शास्त्र है, हमारे हिंदू धर्म का शास्त्र है, वहाँ कहीं पर भी यह नहीं लिखा और ना अनुमति दी गई है कि इस अवस्था में आप पूजा पाठ करें या धार्मिक क्रियाओं में सम्मिलित हो। कर्म कांड करने के लिए, यानी धर्म से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे पूजा पाठ, इन चीज़ों के लिए 5 दिन बताए गए हैं कि इन 5 दिनों में आप पूजा पाठ, तो क्या भक्ति से संबंधित किसी भी कार्य में आप हाथ भी नहीं लगा सकते। ये 5 दिन पूजा पाठ के लिए वर्जित होते हैं। ऐसी अवस्था में आप पूजा पाठ से संबंधित जो भी कार्य हैं उन पर हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे अशुद्धि आती है। पीरियड्स के समय में इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा स्त्रियों में होती है, यानी कि अशुद्धि होती है, कि यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो वहाँ से आपको गुजरना भी नहीं चाहिए पीरियड्स के समय में। ऐसा शास्त्र में बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि इस अवस्था में जो आपकी प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो आपकी छाया होती है, वह भी जो पूजा पाठ कर रहा है उस व्यक्ति पर नहीं पड़नी चाहिए और ना ही मंदिर पर पड़नी चाहिए। यही कारण है दोस्तों कि आज से बहुत साल पहले जब भी महिलाएं रजस्वला होती थी, यानी पीरियड्स में होती थी, उस अवस्था में उनके लिए एक अलग से कमरा बना दिया जाता था, यानी कि एक अलग से कमरा उनके लिए रहने के लिए दे दिया जाता था। उसी में उन्हें रहना होता था, ना उन्हें उस समय सूर्य की रोशनी मिलेगी और ना ही अग्नि उन्हें छूना होता था और ना ही उन्हें उस समय जल स्पर्श करना होता था। इस तरह से
5 दिन उन्हें उस रूम में रखा जाता था और उस दौरान उन्हें बिल्कुल सात्विक भोजन ही दिया जाता था। दोस्तों, सात्विक भोजन से भी हमारे शरीर में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसका भी एक रीजन है। अगर आप कहीं पे सर्च करते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि पीरियड्स के दिनों में आपको बिल्कुल भी मिर्च मसाले जैसी चीजें या फिर अग्नि ऊर्जा पैदा करने वाले खाना या भोजन आपको नहीं खाना चाहिए। केवल सात्विक भोजन ही आप उस दौरान ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो जो आपकी निगेटिव एनर्जी आपके ओरा में थी या जिसने आपके आसपास अशुद्धि फैलाई थी वो उनमें कमी आएगी, यानी वो दूर होते जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो आपका मानसिक उस समय वातावरण बना होता था वह शांत होगा, यानी कि आप मानसिक तौर से एकाग्रचित हो पाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, जो मासिक धर्म से पीड़ा होती थी वह भी, यानी कि उन चीज़ों से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि इस अवस्था में स्त्रियों पे हार्मोनल चेंज भी होते हैं जिस कारण उन्हें पीड़ा उठानी पड़ती है। कितने ही लोग इसके लिए मेडिसिन भी लेते हैं, तो मासिक धर्म पे ये सारी ही प्रॉब्लम आती रहती है। और ये एक अवस्था होती है जब महिलाओं को आराम करने का मौका मिलता है, क्योंकि स्त्रियों को आराम करने का भी उस समय ये 5 दिनों में मौका मिलता था, और ये 5 दिनों में वे केवल सात्विक चीजें ही ग्रहण करती थी, जिससे जो उनका शरीर है इन क्रियाओं के माध्यम से उनके जो शरीर में आंतरिक अवस्था है उनकी भी शुद्धि करी जाती थी। तो दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ें यानी रीजन होते थे जिस कारण उन्हें एक एकांत कमरे में रखा जाता था, क्योंकि दोस्तों पहले के दिनों में महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा काम हुआ करते। पहले ज़माने में इतनी ज़्यादा सुविधाएँ यानी मशीनरी नहीं थी, जैसे घर में ही गेहूं की पिसाई करना या फिर धान की सफाई करना यानी कि चावल उससे बनाना, ये सारी क्रियाएं महिलाएं खुद घर पे किया करती थी। इसलिए ये 5 दिन जो होते थे महावारी के यानी रजस्वला के स्त्रियों के, उन्हें इन 5 दिनों में रेस्ट भी दिया जाता था। अभी खैर स्त्रियों को इन सभी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि बहुत सी स्त्रियाँ एकल फैमिली में रहती हैं, इसलिए वे इन सारे कामों से बच जाती हैं। क्योंकि इस समय यदि एक व्यक्ति एकांत कमरे में चले जाएगा तो फिर ऐसे में अन्य व्यक्ति क्या करेंगे, क्योंकि बहुत से इस समय परिवार जो होता है वो केवल 4 फैमिली या 3, जिसमें पति पत्नी और बच्चे ये सम्मिलित होते हैं, तो इस अवस्था में एकांत पर जाना सही नहीं रहता। लेकिन पीरियड्स के समय आप पूजा से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही वर्जित है। आप बिल्कुल भी पूजा से संबंधित कार्यों को स्पर्श नहीं कर सकते, और यदि बहुत अधिक जरूरी हो तो आप तो ये जो 5 अवधि होती है इनमें आप यानी कि 5 दिनों की जो अवधि है उसमें केवल 3 दिन आप, 2 दिन जो आरंभ के होते हैं वो दिन छोड़ के जो उसके बाद वाले दिन होते हैं उनमें आप स्नान इत्यादि करके जो पूजा से संबंधित ड्राई चीज़ें होती हैं यानी कि जो सूखी चीज़ें एकत्रित करने के लिए होती हैं वे आप खरीद सकते हैं, और उन्हें बाद में गंगा जल से शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप सामान ले सकते हैं पूजा के। अब बात आती है कि हम व्रत एवं उपवास करें या ना करें। बहुत सारे जो वीकली व्रत होते हैं इस अवस्था में आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो साल में केवल एक बार आता है उस अवस्था में आपको व्रत करना चाहिए या नहीं, जैसे कि ये शिवरात्रि का महीना चल रहा है या फिर तीज का त्यौहार है, इस अवस्था में आप व्रत रखें या नहीं। तो ऐसे में यदि आप पूरी तरह से यदि फिट हैं तो आप व्रत रख सकते हैं, वरना आप अपने ब्लड से रिलेटेड यानी कि करवा चौथ या फिर तीज का व्रत तो आप अपने हस्बैंड से रखवा सकती हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही ये व्रत रखते हैं, तो जितना पूरा हक स्त्रियों का होता है उतना ही पूरा हक पति का भी होता है। तो इस तरीके से आप उनसे भी व्रत रखवा कर उनसे पूजा पाठ करवा सकते हैं। लेकिन जैसे शिवरात्रि व्रत है या फिर कोई अन्य प्रकार के व्रत जो कि पर्सनल होते हैं, इस तरह के व्रत आप स्वयं रख सकती हैं यदि आपकी बॉडी यानी आपका शरीर आपका साथ दे रहा है यानी सही अवस्था में है। लेकिन जो पूजा है यानी जो पूर्ण पूजा विधि होती है कर्मकांड होता है, उस तरीके से आप पूजा नहीं कर सकते। आप मानसिक विधि से पूजा कर सकती हैं। इस अवस्था में आप मानसिक तरीके से पूजा करें, जैसे कि आप मन में सोचें कि हे भगवान, हम आपको अपने आप को पूर्ण भक्ति भाव से समर्पित कर रहे हैं। आप अपने मन में ही सोचें कि आपने एक चोला बिछाया है और आप भगवान शिव की प्रतिमा के आगे या फिर शिवलिंग के आगे जल चढ़ा रही हैं, पुष्प उन्हें अर्पित कर रही हैं। ये सब चीज़ें आपको अपने मन में ही सोचनी है।
दोस्तों, क्योंकि इस अवस्था में भी भगवान का नाम लेने में और उनके स्मरण करने में कोई बुराई नहीं है। आप व्रत करने के बाद मानसिक रूप से अपना व्रत भगवान की पूजा के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। मानसिक तौर से आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। सिर्फ आप मंदिर में नहीं जा सकते, उनकी मूर्ति प्रतिमा इत्यादि को नहीं छू सकते, परंतु आप अपने मन में भगवान शिव का नाम ले सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर मौजूद है, भगवान हर जगह मौजूद है, वे हमसे अलग नहीं है। तो इसलिए मानसिक व्रत एवं पूजा करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एक एकांत जगह पर आप बैठे और पूरे तरीके से जिस तरीके से पूजा विधि है उसे आप अपने मन में सोचते हुए उस पूजा को संपूर्ण करें। दोस्तों, हमारे महाभारत में एक वर्णन मिलता है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो उस समय वे महावारी यानी पीरियड्स की अवस्था में थी, इसलिए वह एकांत कमरे में अपने खुले केसों से, जैसा कि पीरियड्स में श्रृंगार करने की भी इजाजत नहीं है, वो अपने खुले केसों से एकांत कमरे में विश्राम कर रही थी और वहीं से उन्हें बाल पकड़कर खींचते हुए सभा में ले जाया गया था। और उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया था, उनका ध्यान किया था। वे उस समय मानसिक यानी कि जैसा हमने आपको बताया, अपने मन में सोच रही थी भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनका ध्यान कर रही थी, उनका जाप कर रही थी, जिस कारण ही भगवान श्री कृष्ण को उनकी रक्षा के लिए आना पड़ा था। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा उन्होंने कर्मकांड से नहीं करी थी, यानी पूजा विधि से नहीं करी थी। वहाँ पर उन्होंने कोई चौकी नहीं लगाई, भगवान श्री कृष्ण को कोई आसन उन्होंने नहीं दिया था। वे सिर्फ जब उनका चीरहरण हो रहा था उस समय वे अपने दोनों हाथों को ऊपर करके अपने मन में मानसिक तरी से भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही थी और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। तो आप भी किसी भी प्रकार के व्रत को मानसिक तरीके से कर सकती हैं। अपने ईश्वर का मनन, अपने ईश्वर की आराधना कोई भी भक्त मानसिक तरीके से कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हर हर महादेव।